Xiaomi ने अपना फाइनली HyperOS यहाँ पर निकाल दिया और देखा जाए तो पहले हम स्पेकुलेशन लगा रहे थे कि MIUI को डिच करके अपना MIUS निकालने वाली है, लेकिन अब फाइनली सारी स्पेकुलेशन खत्म करते हुए Xiaomi का HyperOS यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक सवाल आता है, Xiaomi ने अपना HyperOS क्यों निकाला? देखो रीजंस उसके सिंपल है और इसके पहले वाले वीडियो में इसको मेंशन कर चुका हूं। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, Xiaomi का जो HyperOS था वो 2017 से डेवलपमेंट में, और ये एक बात से बिल्कुल मैच करता है क्योंकि वही समय था जब MIUI बहुत अच्छा चल रहा था और उसके बाद MIUI 9 जब से आया था ना, तब से इसका डाउनफॉल यहाँ पे शुरू हो गया और लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा। कई जगह बग्स आते थे, इश्यूज आते थे, एड्स आते थे, ब्लोटवेयर आते थे, अलग अलग चीजों के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम में रहा। और Xiaomi ने अब ये सोचा है कि अब वो लोग एक नए OS पे यहाँ पे काम करेंगे और आपको एक नई चीज यहाँ पे डिलीवर करेंगे और जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो ये नया OS इसे सॉल्व कर सकता है। लेकिन अब बात आती है ये MIUI से किस तरीके से लगे, तो ऑफिशियली Xiaomi ने ये बात बता दी यहाँ पे कि जो यहाँ पे MIUI था वो बेस्ड था आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे मान लीजिए गूगल ने अपना एंड्रॉइड 14 निकाला तो एंड्रॉइड 14 को बेस मान के उसके ऊपर MIUI लगाया जाएगा और MIUI स्किन की तरीके से काम करेगा। ये इस तरीके से ये लोग अपने MIUI बनाते थे और बाकी सारी कंपनीज भी इसी तरीके से अपनी स्किन और UI और अपने OS को यहाँ पे बनाती है। लेकिन भाई बात करें HyperOS से थोड़ा सा लगे, HyperOS में क्या किया गया है, सबसे पहले तो ये एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यानी कि जो AOSP होता है उसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि वो एंड्रॉइड को कंसीडर नहीं कर रहा है, एंड्रॉइड से जो एक लेवल ऊपर जो AOSP आता है ना उसको यहाँ पे ले रहे हैं, जिसके अंदर उस AOSP वाली रोम के अंदर ये लोग अपना खुद का कर्नल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसे कहा गया है Xiaomi Vela, जो कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा जिसको इसलिए इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे डिवाइसेस में चलाया जा सके जो इतने पावरफुल नहीं होंगे, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट कैमरा, इन सब के अंदर भी Xiaomi का HyperOS चल सकता है और उसके ऊपर Xiaomi ने अपना UI वगैरह इंटीग्रेट किया। मतलब कि Xiaomi ने ये डिसाइड किया कि गूगल के एंड्रॉइड के ऊपर हम कम से कम डिपेंडेंसी रखें और एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का यूज करके अपने OS को यहाँ पे डेवलप करें। और ये चीज बिल्कुल Huawei के हारमनी OS जैसी है, जैसे Huawei ने अपना हारमनी OS डिजाइन किया था जिसके अंदर गूगल की कोई डिपेंडेंसी नहीं है और अपना एक OS चलाते, वो भी एंड्रॉइड बेस्ड है, वो भी AP सपोर्ट करता है, लेकिन वो एक यूनिफाइड और उसका यूज अपने हर एक प्रोडक्ट में करते हैं। और यहीं से Xiaomi ने इंस्पिरेशन लिया और अपना HyperOS क्रिएट किया। लेकिन अगर गूगल पे डिपेंडेंसी नहीं है तो क्या इसमें गूगल प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा? वेल, ऐसा नहीं है। अभी चाइनीज रोम के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी गूगल की सर्विसेज देखने को नहीं मिलेंगी। सिंपल सा आंसर है, चाइना में गूगल बैन है। लेकिन जो ग्लोबल वर्जन आएगा जिसको बोला गया Q1 2024 यानी कि 2024 की स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिसका मतलब ये कि इस UI के ऊपर अलग से लोग गूगल सर्विस इंस्टॉल करके लोगों को यहाँ पर देंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है। और एक और बात बता सकता हूँ, HyperOS को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, यानी कि Xiaomi 14 के अंदर जो HyperOS है वो Android 14 के ऊपर बेस्ड रहेगा। लेकिन वहीं पे जो Xiaomi Pad 5 आता है उसके अंदर जो HyperOS होगा वो भी सेम होगा लेकिन वो Android 13 पे बेस्ड होगा। तो Xiaomi ने ऐसा किया कि Android के ऊपर डिपेंडेंसी टोटली खत्म कर दी। और हाँ, ये चीज हमने MIUI के साथ ही देखी थी, बस इस चीज को ये लोग एक स्टेप और ऊपर ले जा रहे हैं कि अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन से फीचर इन्हें कब और कैसे देने और वो सारी चीजें लोग डिसाइड करेंगे। इसके साथ ही बात करें कौन से डिवाइसेस में आएगा, अभी जो लिस्ट आई वो चाइनीज डिवाइसेस की आई है, लेकिन काफी सारे पुराने फोन्स, इवन रेडमी और पोको के फोन्स में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फीचर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो अभी जो फीचर्स बताए गए हैं वो काफी सारे डिवाइस स्पेसिफिक भी है और आप ऐसा नहीं समझ सकते जो फीचर शोकेस की वो आपको हर एक फोन में देखने को मिले, यानी कि बिल्कुल MIUI जैसा ही हिसाब है। कभी आप लोगों ने MIUI के कोई एक्सपेंसिव या फ्लैगशिप फोन चलाए उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन जब आप बजट फोन में आते हैं फीचर्स में कमी हो जाती है। और सिंपल सा रीजन है कि जो लोअर एंड हार्डवेयर है वो उसके फीचर को सपोर्ट नहीं कर सकता। एक एग्जांपल देता हूँ, HyperOS में AI फीचर है जिसके अंदर आप AI का आर्टवर्क जनरेट कर सकते हैं, AI इमेजेस है या फिर कोई फोटोग्राफी, उसको आप AI का यूज करके एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो फीचर है इसके लिए Snapdragon 8 Gen 3 का यूज हो रहा है और जिन फोन में प्रोसेसर नहीं होगा उसमें शायद Xiaomi इस टाइप के फीचर्स डिलीवर नहीं कर पाए। यानी कहानी वैसी रहेगी कि कुछ फीचर्स आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, कुछ फीचर्स वहाँ कम देखने को मिलेंगे। इस बार सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे, यानी कि जो लो एंड हार्डवेयर रहेगा वहाँ पे अभी MIUI में प्रॉब्लम ये होती थी कि यार बजट फोन में MIUI इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकालता था। मतलब खुद सोचिए, आप एक 80,000 का Xiaomi का फोन चलाओ और एक 10,000 का Xiaomi का फोन चलाओ,
अहम यूआई भले ही से वो उनमें, लेकिन फीचर परफॉर्मेंस इनमें आपको काफी चीजें देखने को मिलती है और यही इसका यूज करके बनाया गया है ताकि लो एंड हार्डवेयर में हम थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। अगर Xiaomi ये चीज यहाँ पे पुल ऑफ कर लेता है, कम हार्डवेयर में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है, तो एक बड़ी बात है। इसके साथ ही Xiaomi ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया कि अपने स्मार्ट स्पीकर में इसका अपडेट देंगे, अपने स्मार्ट कैमरा में देंगे। हाल ही में Xiaomi ने वॉच 2 प्रो निकाली थी जो कि Wear OS पे बेस्ड थी और अपनी वॉचेस के अंदर भी इस चीज को डालेंगे। यहां तक कि अगले साल Xiaomi अपनी कार लेके आने वाला है, उसके अंदर भी हाइपर ओएस डालेंगे। एक ओएस को इस तरीके से बनाया गया ताकि हर जगह यहाँ पे चला ले और एंड्रॉइड का जो AOS भी होता है उसको यहाँ पे इसके लिए बेस यहाँ पे चूज किया गया। लेकिन इसके साथ काफी सारे क्वेश्चंस अभी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये देखना है कि जो बग्स वाली प्रॉब्लम थी उसे Xiaomi यहाँ पे कैसे फिक्स करता है, क्योंकि Xiaomi का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और हाइपर ओएस के अंदर अगर वो सारी चीजें अपने अंडर ले रहा है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बग फ्री स्टेबल एक्सपीरियंस दे। इसके साथ ही एक सवाल आता है कि यहाँ पे ब्लोटवेयर और एड्स के बारे में कोई बात नहीं की गई, और हमें अक्सर पता है कि ब्लोटवेयर काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार Xiaomi के फोन में, लेकिन अगर ब्लोटवेयर एड्स को भी कम किया जाए तो वो एक चीज रहेगी। और इसके साथ ही सवाल आता है प्राइवेसी का। अभी जहां तक हमें पता है कि प्राइवेसी के लिए इंडिविजुअल ऐप यहाँ पे परमिशन मांगती है, कई बार ये लोग भी परमिशन मांगते हैं पर्सनलाइज एड्स के लिए। ये सब चीजें हैं कि प्राइवेसी के अंदर आपका कुछ डेटा ट्रैक करें, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो क्या ये Xiaomi वाले हाइपर ओएस का यूज करके इसे ये लोग अपने चाइना के सर्वर पर रखेंगे कि इंडिया के सर्वर पर रखेंगे। ऐसे प्राइवेसी रिलेटेड क्वेश्चंस जो पहले भी थे वो अभी भी है और उनके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। और ये भी क्लैरिटी नहीं मिली कि इसका जो हार्डवेयर के साथ ऑप्टिमाइजेशन होगा क्या ये MIUI जैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी जो लुक एंड फील है ना इसका वो अभी भी MIUI से मिलता जुलता है। और आपको एक और बात बता सकता हूँ, वो शायद इसलिए इन्होंने रखा है क्योंकि इसके अंदर ये लोग स्किन के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते, क्योंकि मान लो अगर UI को अगर ये लोग टोटली यहाँ पर चेंज कर देना तो जो एग्जिस्टिंग Xiaomi के यूजर होते ना उन्हें नया UI अडेप्ट करने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए UI को ये लोग धीरे धीरे यहाँ पे चेंज करेंगे। अभी जो मेजर चेंजेस लेकर आए वो इंटरनल है, लेकिन देखने वाली बात है इंटरनल चेंजेस आपके यूजर एक्सपीरियंस को कैसे अफेक्ट करते और कैसे बेटर बनाते। और हाइपर ओएस के साथ एक बात यहाँ पे समझ में आ गई Xiaomi की कि Xiaomi भी आज के समय में अपना इकोसिस्टम बना रही है। मतलब आपको एप्पल का इकोसिस्टम पता है, एप्पल के जितने भी डिवाइसेज होते सब आपस में बहुत अच्छे तरीके से सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं और डेटा इन्फॉर्मेशन स्मूथली सब आपस में शेयर कर लेते हैं, कोई उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आती। वैसा ही इकोसिस्टम यहाँ पे कुछ टाइम पहले Huawei ने भी कोशिश करी थी अपना हार्मनी OS बना के, जिसके अंदर हार्मनी OS को सेंटर रख के सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके अपने इकोसिस्टम बना रहे थे। और आज के समय में Xiaomi यही कोशिश कर रहा है। Xiaomi के चाइना में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और वहां पे इकोसिस्टम बनाना सेंस करता है, लेकिन आज के समय में Xiaomi के इंडिया में काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बंद हो गए, जैसे कि Mi Band, Mi Watch ये सब देखने को नहीं मिलता। Xiaomi ने एक बार स्मार्ट स्पीकर निकाला था वो देखने को नहीं मिलता। सिर्फ दो ही प्रोडक्ट कैटेगरी है Xiaomi की जो इंडिया में चलती है, पहली है स्मार्टफोन, दूसरी है स्मार्ट टीवी। अब देखने वाली बात है कि जो हाइपर ओएस है ये स्मार्ट टीवी को कैसे चेंज करता है और Xiaomi की इंडिया में स्मार्टफोन को कैसे चेंज करता है, क्योंकि देखा जाए तो पिछला 1-1.5 साल Xiaomi के लिए तक खास नहीं है, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो Xiaomi का हाइपर ओएस है ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता। इस टाइप की वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं ना सब्सक्राइब कीजिएगा और मत जाना, और कुछ और वीडियोस के लिंक दे रहा हूं यहां पे, उनको भी यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।